दोस्तों भूपेश आनंद, जैसा मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था फेस टू फेस क्लासेस में भी और पेन ड्राइव क्लासेस में भी कि मैं आपको थ्योरी की कुछ क्लासेस देने वाला हूं, तो आज मैं आपको वो वादा पूरा कर रहा हूं। दोस्तों मैं CA CS CM में भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुने तो ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं है, ये छोटे छोटे लेक्चर्स मैंने आप ही के लिए प्रिपेयर किए हैं और ये थ्योरी थ्योरी पूरी कवर कर देंगे आपकी थ्योरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट। बेटे हमारे पेपर का नाम आप सबको बताइए, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आप CA कर रहे हो, CS कर रहे हो या CM में कर रहे हो, आजकल प्रैक्टिकल पेपर में भी, प्रैक्टिकल पेपर माना जाता है इसको, इस पेपर में भी आजकल थ्योरी आ रही है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी लेवल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बड़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। वो इसलिए कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में इंस्टीट्यूट आजकल बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है और हम 90% ध्यान खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करते 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 ही लगा देते हैं। बट अगर आपने मेरी क्लासेस की हो प्रैक्टिकल वाली, तो उसकी हर क्लास के शुरू के 2 लेक्चर्स मैंने पूरी थ्योरी को दिए, लेकिन मुझे लगा कि थ्योरी में अभी कुछ और भी जरूरत है आपको बताने की, आपको देने की, तो मैंने आज से आपके लिए स्पेशली थ्योरी के कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर किए। और थ्योरी अगर हम देखें न्यू सिलेबस में CS एग्जामिनेशन में देखें तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन न्यू सिलेबस में बेटे कंपलसरी आ रहा है, जिसमें आपको थ्योरी ही अटेम्प्ट करनी है। इवन CW एग्जामिनेशन में और CA एग्जामिनेशन में भी कंपलसरी थ्योरी आ रही है। इसका मतलब आप ये समझ लें कि 40 मार्क्स की तो कंपलसरी थ्योरी है और 60 का प्रैक्टिकल है। और इवन अगर आप चाहें तो बेटे लास्ट क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है वो भी थ्योरी का कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स जिसमें आते हैं बेटे। अब मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा बताऊं, मैंने थ्योरी के को डिवाइड कैसे किया, मैंने सारे पेपर्स को ध्यान से देखा, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस CA CS CM में, और मुझे दिखा कि अगर थ्योरी को कवर करना है तो बेटे 3 तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे हैं। आराम से बेटे, आराम से 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टाइप 1 जिसमें को मैं कहता हूं कमेंट टाइप क्वेश्चंस, कमेंट टाइप क्वेश्चंस जिसमें आपसे कुछ कमेंट्स पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे 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 इवेल्युएट किया जाता है, डिस्कस करने की बातें होती हैं, डिस्कस करवा लें। अभी दिखा दूं, ये मैं इवेल्युएट करवा लें, एक्सप्लेन करवा लें, डू यू एग्री, बेटा ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इस तरह के पूछ रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? एक्सप्लेन कीजिए, कमेंट कीजिए, इलाबोरेट कीजिए, डिस्कस कीजिए, हाउ कीजिए। तो बेटे आपको पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस ये आ रहे हैं, ये जनरली फर्स्ट क्वेश्चन में आता है, बट फिर भी कोई हार्ड एंड फॉल्स रूल नहीं है।
मैंने कहा जी पहला क्वेश्चन जो आप करेंगे उसमें चार पार्ट्स पूछे जाएंगे और चारों के चारों पार्ट्स थ्योरी के होंगे और इसी कमेंट टाइप में से आ रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन टू है, मैंने देखा कि जनरली उसको मैंने टाइप टू बना दिया, डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपसे कुछ कुछ चीजों का अंतर पूछा जाएगा, डिफरेंस पूछा जाएगा। और बेटे टाइप थ्री शॉर्ट नोट्स। अब ये क्वेश्चन टू और टू ए जो कंपलसरी आ रहा है बेटे, आपको या तो टू करना पड़ेगा या टू ए करना पड़ेगा। आपने पेपर्स अपने देख लिए होंगे, मैं सीएस के एग्जामिनेशन की बात करूं तो आपने अपने पेपर्स देख लिए होंगे, सीएमए वालों ने भी देख लिए होंगे बेटे। पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, दूसरे में चॉइस है, लेकिन दोनों जो चॉइस वाले हैं वो थ्योरी के हैं। टू में चार पार्ट्स, टू ए में चार पार्ट्स, पहला भी थ्योरी दूसरा भी थ्योरी, तो थ्योरी से आप नहीं बच सकते। तो बेटे क्वेश्चन थ्री, ये मैं कहूं टाइप थ्री, ये बेटे क्वेश्चन सिक्स की बात कर रहा हूं। टाइप थ्री बेटे ये जनरली आपको आ रहा है शॉर्ट नोट्स बेटे, पांच शॉर्ट नोट्स, चार शॉर्ट नोट्स दिए होंगे उसमें से करना है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप थ्योरी को छोड़ के नहीं जा सकते, थ्योरी करनी पड़ेगी। अब एक बच्चे का मुंह ही छोटा हो गया, उसने कहा थ्योरी करनी पड़ेगी। हाँ बेटे, बेटे 40 नंबर की तो कंपलसरी थ्योरी आ रही है और 20 नंबर की ऑप्शनल है। इसका मतलब आप चाहो तो 60 मार्क्स की थ्योरी कर सकते हो और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। लेकिन मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि आप 60 का प्रैक्टिकल करें और 40 की थ्योरी करें और उस थ्योरी को भी प्रैक्टिकल टच दें। अभी मैं बताता हूं आप प्रैक्टिकल टच कैसे देंगे। और मेरी आप सबसे ये सजेशन है कि जब आप घर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टाइम अलॉट कर रहे हैं, मान लेते हैं 4 घंटे अलॉट कर रहे हैं, आजकल वैसे ही पेपर के दिन शुरू हो गए, मतलब प्रिपरेशन सीजन चल रहा है पढ़ाई का, तो 4 घंटे में से बेटे 2 घंटे अभी से थ्योरी को जरूर देना और 2 घंटे प्रैक्टिकल को दीजिए, या 2.5 घंटे प्रैक्टिकल, 1.5 घंटा थ्योरी, मतलब जो भी टाइम है उसको 60-40 में डिवाइड कर दीजिए, 60% प्रैक्टिकल 40% थ्योरी। बेटे मैंने बहुत गलतियां की सीए सीएस सीएमए में और मैं नहीं चाहता कि आप भी गलती करें। गलतियां मैंने क्या की, मैंने गलती ये की कि जब मैं घर में प्रिपेयर करता था तो बस लास्ट में, लास्ट के दिनों में थोड़ी सी थ्योरी देख लेता था। और बेटे होता क्या था कि थ्योरी आती तो हमारे जमाने में भी थी, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाता था, अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाता था। ये बात मुझे बाद में रियलाइज होती थी जब मैं पेपर देके आ जाता था और फेल हो जाता था। फिर मुझे लगा कि यार जब थ्योरी बार बार आ रही है, कंपलसरी आ रही है, तो क्यों ना मैं थ्योरी में ज्यादा ध्यान दूं। तो मैंने क्या किया, थ्योरी में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और ऐसी लागी लगन कि मैं जब पेपर देने जाता था, इवन प्रैक्टिकल पेपर में भी, पहले मैं थ्योरी को करता था, जैसे पहले मैं थ्योरी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था। अब ये भी गलती आप करते हैं, पहले आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं और मान लीजिए भगवान ना करे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में किसी पॉइंट में आप अटक गए, तो बेटे आपका टाइम वहां ज्यादा लग जाएगा और धीरे 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 आप वो टाइम थ्योरी के क्वेश्चन से लेते जाएंगे, क्योंकि फिर दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल करेंगे, फिर तीसरा प्रैक्टिकल करेंगे, फिर चौथा प्रैक्टिकल करेंगे और आखिरी में 2 तो थ्योरी के करने पड़ेंगे और उस समय टाइम रहेगा नहीं आपके पास,
तो बेटे जनरली 40 में से 10 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर ही में ही सिमट के रह जाएंगे। फिर पेपर देंगे आप रिजोल्यूशन के लिए। बेटे इन सभी चक्रों से बचना है। मेरी बात मानो, मैं आपका भला चाहता हूं, आप 60% टाइम प्रैक्टिकल को दें, 40% टाइम थ्योरी को दें, और मैंने आपके लिए ही थ्योरी को थ्योरी के मैंने 25-30 लेक्चर, आधे आधे घंटे के छोटे छोटे लेक्चर हैं बेटे, जिसमें मैंने 50 कमेंट टाइप क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है बेटे, 50 डिफरेंस बिटवीन को एक्सप्लेन किया है, 50 डिफरेंस बिटवीन को एक्सप्लेन किया है, और बेटे 50 शॉर्ट नोट्स को एक्सप्लेन किया है। तो मेरी मानिए आप, अगर आप ये 50 कमेंट्स, 50 डिफरेंस और 50 शॉर्ट नोट्स ही कर लेते हैं ध्यान से, और जो मेरी डायग्राम है जो मैं अभी बताऊंगा थ्योरी किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, तो समझ लीजिए आपके 40 में से 30 प्लस आ सकते हैं। बेटे प्रैक्टिकल टच देना सीखो थ्योरी को, और ये 150 छोटे छोटे पॉइंट्स कर लो, जिंदगी बदल जाएगी बेटे। पास्ट ईयर पेपर्स, स्टडी मटेरियल, मैंने सभी चीजें कवर की है, और बेटे आपके पास टाइम उतना होता ही नहीं है कि आप और भी 10 चीजें कर लो। तो बेटे 50 कमेंट, 50 डिफरेंस, 50 शॉर्ट नोट्स प्लीज। अगर आपने कहीं और से भी फेस टू फेस की क्लासेस ली है तो कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए बेटे। बेटे आप ये 50 कमेंट, 50 शॉर्ट नोट्स, 50 डिफरेंस जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। आइए मैं आपको कहीं आगे लेके चलूं। तो अभी के जो लेक्चर्स हैं, मैंने 50 कमेंट्स बनाए, और ये सारे कमेंट्स आपके पास्ट ईयर पेपर्स एग्जामिनेशन से ही बनाए, न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस। एक बच्चा कहता है कि आप न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में थ्योरी चेंज नहीं होती। बेटे 99 क्या 100% थ्योरी थोड़ी चेंज हो जाती है, ओल्ड में भी वही थी, न्यू में भी वही थी, लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा ध्यान न्यू सिलेबस के पेपर से दिया। तो जून 2014 से जब आपका नया सिलेबस शुरू हुआ सीएस में, तो मैंने बेटे वहां से 50 कमेंट बनाने शुरू किए, और जो भी मुझे लगते गए मैं बनाता गया बेटे, मैं बनाता गया। अभी देखिए ये 50 कमेंट्स मैंने, और मैंने कहां से वो क्वेश्चन लिया वो भी मेंशन किया बेटे, वो भी मेंशन किया। देखिए 50 कमेंट्स। अभी एक बच्चा कह रहा है क्या 50 कमेंट काफी है? अरे यार पहले 50 तो कर लो, ये काफी है, वो काफी है, इतने सारे प्रश्न करते हो, पहले आपको जो कह रहा हूं वो तो कर लो, पहले जो थाली में उसको खा तो लो, उसके बाद बात करेंगे कि क्या इसके अलावा भी कुछ करने हैं या नहीं। तो बेटे टोटल तो 150 क्वेश्चन हो गए ना, 50 कमेंट्स, 50 डिफरेंस, 50 शॉर्ट नोट्स, और बेटे मुझे लगता है कि मैंने उसको पूरा कवर किया है। पहले उसको खा लेते हैं, आगे का फिर देख लेंगे बेटे। ऐसे क्यों आप नेगेटिव सवाल करते हो? अब मैंने बिगिनिंग में आपको इंट्रोडक्टरी ऑफ एफएम थ्योरी के लेक्चर में ये बात बताई, आपने वो लेक्चर देख लिया होगा बेटे। उस इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम थ्योरी में, टिप्स ऑफ एफएम थ्योरी में, मैंने ये बताने की कोशिश की आपको कि आप एफएम की जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल टच दो। कैसे? एक तो पहली बात, अटेम्प्ट इन द बिगिनिंग बेटे, पेपर को के बिगिनिंग में ही अटेम्प्ट कर लो। हमारी हैबिट रहती है हम लास्ट में करते हैं। अलॉट 40% टाइम ऑफ प्रिपरेशन टाइम, अलॉट 40% ऑफ प्रिपरेशन टाइम इन थ्योरी, राइट इन स्मॉल पैराग्राफ्स, और कोशिश करो पॉइंट वाइज लिखो उसको, और ट्राई करो
कि उसको पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है जी? तो राइट इन स्मॉल पैराग्राफ और पॉइंट वाइज, ट्राई टू सप्लीमेंट, अपने आंसर को सप्लीमेंट करो विद 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 डायग्राम। बेटे डायग्राम बनाओ, डायग्राम, फ्लो चार्ट। बेटे मैंने 101 डायग्राम वाली बुक दी हुई है आपको, आपको मैंने 101 डायग्राम की बुक दी है, चाहे आपने मेरे से पेन ड्राइव लिया है या फेस टू फेस किया है, मैंने आपको 101 डायग्राम की बुक दी है, आपको याद है? ये देख लीजिए, ये किताब मैंने दी है और इसमें लिखा है ना भूतो ना भविष्यति, किसी ने पहले भी नहीं दिया, आगे भी नहीं देगा। बेटे मैंने 101 डायग्राम बना दिए, 101। एक बच्चा कहता है 101 ही क्यों बनाए? बेटे 101 सगन है, सगनों का दिन। ये देखो बेटे हर चैप्टर वाइज मैंने डायग्राम प्रिपेयर किए। तो बेटे अगर आप मेरे से नहीं पढ़े, फेस टू फेस में भी नहीं पढ़े या पेन ड्राइव भी नहीं ली, तो ये बुक आपके पास नहीं होगी, कोई बात नहीं। बेटे बेटे इस बुक के टोटल पेजेस अगर आप देखें तो 170 है, 170 है, 170 पेज है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस, 101 डायग्राम्स, मॉडल पेपर वगैरह वगैरह सब लिखे हैं। बेटे इसकी फोटोकॉपी भी करा सकते हैं, लेकिन बेटे फोटोकॉपी जब आप कराएंगे तो फिर भी लगभग उतने ही पैसे लग जाएंगे। आप इसको हमारे ऑफिस से भी ले सकते हैं, 100 रुपीज की हम दे रहे हैं दोस्तों, खाली कॉस्ट टू कॉस्ट, जिससे कि आपके 6 महीने बच जाए। आइए 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 मैं पांचवी बात भी लिख दूं कि जितना हो सके गिव एग्जाम्पल्स, गिव एग्जाम्पल्स। बेटे 5 बातों का ध्यान रखना है, यकीन मानिए मैं आपके थ्योरी में 40 में से 30 ला सकता हूं, तभी तो बेटे 80 प्लस की एश्योरेंस देते हैं हम। तो आइए हम सब बिल्कुल हिम्मत से उन 50 कमेंट्स को पहले देखें। तो मैं आज का जो लेक्चर शुरू कर रहा हूं इसमें बेटे कमेंट्स की बातें करूंगा, 50 कमेंट्स। अब इसको मैं समझाऊंगा कैसे। मैंने जो 50 कमेंट्स लिखे हैं वो बेटे ये रहे, अभी दिखा रहा हूं बेटे, आपको दिखा रहा हूं। ये बेटे ये रहे बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी 50 कमेंट्स, 50 डिस्कस, 50 इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, हाउ डज, वेदर यू एग्री, इलेबोरेट, व्हाट स्टेट, एग्जामिन फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर्स। यकीन मानिए अगर आपने ये 50 कमेंट्स कर लिए तो मैं दावा देता हूं कि आपके 80 प्लस आ सकते हैं। 50 कमेंट, 50 डिफरेंस, 50 शॉर्ट नोट्स। बेटे आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, सब मेहनत मैंने कर ली, बस आप गंगा में डुबकी मारे, नहाए और बाहर निकले, बहुत दुनिया में आ जाए फटाफट। तो बेटे मैंने देखिए जी, ये आपके सामने 50 कमेंट्स की एक लिस्ट प्रिपेयर की है, जून 2014 से मैंने शुरू किया न्यू सिलेबस का। बेटे सारे पेपर्स, सारी स्टडी, सारी गाइडलाइंस सब कवर कर दिया बेटे, कोई भी घबराने की बात नहीं। अब हुआ क्या कि उसके बाद भी 16 में भी पेपर क्वेश्चंस आए, लेकिन मैंने 50 कमेंट्स दिए थे तो फिर मैंने बाकी को शॉर्ट नोट्स में डाल दिया। तो आइए जी हम सब आज लेक्चर 1 शुरू करने से पहले भगवान को हाजी नाजी रखकर 1 मिनट के लिए उस ऊपर वाले को याद करते हैं, फिर चलेंगे बेटे।
आओ बेटा बेटे, पहला पहला कमेंट मैंने लिखा है अभी, ये जो कमेंट के क्वेश्चन है इस तरह से आ सकते हैं, या तो लिखा होगा कमेंट करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज, और डिस्कस करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज, और इवेल्युएट करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज, और एक्सप्लेन दैट करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज, और डिस्क्राइब करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज, हाउ डज करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज, वेदर यू एग्री करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज, एलैबोरेट करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज, एग्जामिन करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज, किसी भी तरह से आ सकता है। तो बेटे आ भी चुका है, पांचवें नंबर के पार्ट्स आते हैं बेटे। अब आपको लगता होगा कितना समय देना है पांच नंबर में, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन जून 2014 में न्यू सिलेबस जब से शुरू हुआ तब से पहला ये सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो थ्योरी में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आया करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज। अब बेटे एक बात है, आप सब थ्योरी में जुगाड़ करके आते हैं, बकवास लिखते हैं और आखिरी में लिखते हैं। तो बेटे मैंने अभी अभी सुझाव दिया कि आपने एक तो पेपर के आखिरी पड़ाव में थ्योरी नहीं करनी बेटे, थ्योरी को हमने पहले ही कर लेना है। जो समझदार बच्चे होंगे पहले थ्योरी को करेंगे फिर प्रैक्टिकल शुरू करेंगे बेटे। उससे क्या होता है, हिम्मत बंधी रहती है, करने तो है ही बेटे, एक हिम्मत रहती है कि हमने चलो 30-40 नंबर का तो बढ़िया कर लिया, तो फिर प्रैक्टिकल जल्दी होता है। अब आप पहले प्रैक्टिकल करें, भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर थ्योरी में आप समय कम देंगे, क्योंकि बेटे पूरे पेपर में मूड ऑफ रहता है, समय कम रहता है। तो आइए मैं अब कैसे कराऊंगा, मैं जैसे 50 कमेंट्स हैं तो मैं इसके 10 लेक्चर्स लेने वाला हूँ, छोटे छोटे आधे आधे घंटे के। हर एक लेक्चर में मैं कम से कम 5 कमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, 5 कमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। मेरा कराने का तरीका क्या होगा बेटे, बेटे मैं पहले कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से आपने सुनना है मैं थ्योरी किस तरह से कराता हूं। मैं पहले उन कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि यही क्वेश्चन मेरी CBQ 1 में से है या CBQ 2 में से है, और या 101 डायग्राम वाली बुक से है। 90% केसेस में थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या तो CBQ 1 में से हैं या CBQ 2 में से हैं या मेरी 101 डायग्राम वाली किताब में से है। फिर भी मान लेते हैं कि अगर एक आध क्वेश्चन बाहर से आया या मुझे लगा कि इसका आंसर कुछ और भी बढ़िया हो सकता है, तो मैंने उसको ऑलरेडी पहले से ही लिख दिया होगा, वो आपको लिखना है, वो आपको लिखना है। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने रजिस्टर, आज की क्लास पहली है तो एक बेटे रजिस्टर ओपन कर लेना है, परचेज कर लेना है, उसका नाम डालना है बेटे डायग्राम वाला रजिस्टर। इस डायग्राम वाले रजिस्टर में क्या करना है बेटे, जो भी मैं कमेंट्स आपको एक्सप्लेन करूं बेटे, वो कुछ ना कुछ बातें आपने लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, और जो भी मैं डायग्राम बनाऊं वो भी डायग्राम बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरी CBQ 1 में से है, तो वो पेज नंबर आपने लिख लेना है कि भाई ये पेज नंबर में ये कमेंट है। बेटे मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। अब बेटे डायग्राम मैंने कुछ तो मैं यहां प्रिपेयर करूंगा, तो जो मैं यहां बनाऊंगा वो तो बना ही लेना, प्लस उसके साथ आपने वो 101 डायग्राम्स जरूर जरूर रेफर करने हैं बेटे, जरूर रेफर करने हैं, 101 डायग्राम्स जरूर रेफर करने हैं, 101 डायग्राम जरूर रेफर करने हैं, जरूर रेफर करने हैं। तो आइए हम सब पहला जो मैंने आपके सामने, अब बेटे ये जो नोट्स मैंने दिए हैं, ये जो नोट्स हैं आप इन कमेंट्स को लिख भी सकते हैं, अब आप दूर हैं, आपके पास मान लेते हैं 50 नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो हर ये 50 के कमेंट्स में मैं पहला कमेंट तो लिख ही रहा हूं, आप भी लिखते जाए। अगर आपको ये 3-4 पेज नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वैसे तो हम शो भी कर रहे हैं वहीं से देख सकते हैं,
लिख सकते हैं, नहीं तो आप रजिस्टर में लिखिए पहला कमेंट करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज। आराम से बेटे पहला कमेंट है करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज, पांच नंबर का है, अब आपको पेपर में आएगा। तो पहली बात तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो करंट एसेट्स होते हैं आपके, करंट एसेट्स का मतलब क्या, करंट एसेट्स का मतलब क्या। मैंने कहा जी करंट एसेट्स में स्टॉक जो होता है, डेटर्स जो होते हैं, मेन तो तीन ही करंट एसेट्स होते हैं, स्टॉक, डेटर्स और कैश। अब क्योंकि फाइनेंस की बात कर रहा है तो मैं स्टॉक और डेटर्स की बात यहां पर सोच रहा हूं। वो कह रहा है जी ये जो करंट एसेट्स हैं, जो स्टॉक है आपके पास, स्टॉक जो रॉ मटेरियल का है, पहले क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, आंसर तो उसके बाद ही मैं बताऊंगा। आपको क्वेश्चन भी कई बार नहीं पता चलता, बस बक 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 लिखते हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन कह रहा है जो आपके पास स्टॉक है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये तीनों का स्टॉक है ना आपके पास, ये स्टॉक आप बैलेंस शीट में शो करते हैं ना, और जो डेटर्स हैं, जो स्टॉक है या जो डेटर्स हैं, जो आपने उधार माल बेचा, आपने जो इन्वेस्टमेंट की करंट एसेट्स में, ऐसा समझ लें, जो आपने अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। आपको पता है कि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको दो तरह की कैपिटल्स की जरूरत होती है बेटे, एक तो फिक्स एसेट्स परचेज करने पड़ते हैं और एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हमने वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में ये बात बताई है, फॉर स्मूथ ऑपरेटिंग ऑफ एक्टिविटीज इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव वर्किंग कैपिटल। तो बेटे वर्किंग कैपिटल के बिना आप काम कर ही नहीं सकते, तो आपको कुछ पूंजी, कुछ पैसे करंट एसेट्स के लिए जरूर चाहिए। मतलब कुछ आपको स्टॉक खरीदना, कुछ आपको डेटर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि उधार देना है। तो सवाल आता है वो पैसे आएंगे कहां से, कहां से आएंगे वो पैसे, पैसे आप अपने लगाएं, उधार लें, या करंट लायबिलिटीज के थ्रू लें, या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के थ्रू लें। बेटे ये सवाल आता है। मैंने कहा उधार में ले ले, मतलब मेरे को रॉ मेटेरियल खरीदना है तो मैंने छोले भटूरे बनाने हैं, तो मैं छोले भटूरे के लिए मैदा उधार में ले लूं, छोले उधार में ले लूं, उसको कहूं भैया स्टॉक दे दे, कल बेचूंगा फिर पैसे दे दूंगा तेरे को। या वो जो पैसे हैं, वो जो मुझे पैसे चाहिए स्टॉक और करंट डेटर्स वगैरह के लिए, वो पैसे मैं कहीं से बोरो करूं, बैंक से लोन लूं, डिवेंचर इशू करूं, इक्विटी इशू करूं। इसका मतलब आपको ये बताना है, इसके ऊपर कमेंट लिखना है, क्या क्या कमेंट लिखना है, करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज, बस इतनी स्टेटमेंट है। आपको इस स्टेटमेंट के बारे में टिप्पणियां लिखनी है पांच नंबर की। बेटे होता क्या है कि कई बार आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। मैं कहता हूं जी एक क्वेश्चन 16 नंबर का आता है, 16 मार्क्स का, और उसके चार पार्ट्स होते हैं थ्योरी में, तो आप समझ लीजिए एक पार्ट चार से पांच नंबर का हो गया। और बेटे 16 नंबर का क्वेश्चन 30 मिनट्स में करना होता है, 30 भी क्यों, मैं तो कहूंगा जी 25 मिनट में करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने 10-12 मिनट तो बेटे पहले ही लग गए पढ़ने में। तो आप बताइए एक पार्ट, पांच पार्ट अगर 25 मिनट में करने हैं लगभग, तो एक पार्ट कितने मिनट में करना होगा बेटे, 5 मिनट में। और एक बात मैं बता दूं, अगर आपको वो पार्ट आता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है। हाँ अगर नहीं आता तो 3 घंटे भी कम है, तो आता क्यों नहीं है बेटे, 50 कमेंट्स आप करके जाओगे, इन्हीं 50 में से काम होने वाला है। तो मैं पहली बात आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर ये लिखा है कमेंट करंट एसेट्स आर फाइनेंस बाय करंट लायबिलिटीज। अब सवाल आता है कि बेटे जो हमें पैसे चाहिए ना करंट एसेट्स के लिए, फंड्स रिक्वायर्ड
for investing in current assets, for smooth flow of operating activities. बेटे जो आपका मेन बिजनेस होता है, जो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उसके स्मूथ फ्लो के लिए आपको करंट एसेट्स होने चाहिए. जैसे अपोलो टायर्स के केस में टायर का रॉ मटेरियल पता होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए, उसके लिए बाकी सामान हमारे पास पहले से ही होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, रबड़ होना चाहिए. बेटे इसी तरह से आप किसी भी इंडस्ट्री को देखिए, ब्रिटानिया ब्रेड्स, आप ब्रेड खाते होंगे, तो बेटे ब्रेड के लिए ब्रिटानिया ब्रेड्स की कंपनी को पहले स्टॉक खरीदना पड़ता होगा और उसके लिए पैसे भी चाहिए होते होंगे. अब सवाल आता है कि वो पैसे वो उधार में ले ले या करंट लायबिलिटी से ले. तो बेटे 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 देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड्स. वैसे मैंने वर्किंग कैपिटल की क्लास में आपको ये सारी बातें बताई हुई हैं. क्या बताइए बेटे, वर्किंग कैपिटल की क्लास में बताया देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड्स. दो सोर्सेस है बेटे, बेटे दो सोर्सेस है बेटे. सोर्स वन क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्स, और बेटे सोर्स टू क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स. बेटे एक तो शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है. वैसे बेटे करंट एसेट्स के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो हमें शॉर्ट टर्म नीड्स हैं. दीज नीड्स आर शॉर्ट टर्म, बेटे लॉन्ग टर्म नहीं है. क्यों? क्योंकि बेटे वर्किंग कैपिटल तो बार बार रिकवर हो जाती है ना, उसी साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल में बार बार रिकवर हो जाती है. वैसे बेस्ट सोर्स कौन सा बना गया है, शॉर्ट टर्म सोर्सेस आर ऑप्टिमम फॉर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स. बेटे आपको थोड़े दिनों के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए इक्विटी शेयर थोड़ी इशू करेंगे, उसके लिए डिवेंचर थोड़ी इशू करने चाहिए, उसके लिए बोरिंग थोड़ी करनी चाहिए. तो आपको वैसे तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है फंड्स की, करंट एसेट्स की, वो उधार में ले लेनी चाहिए. स्टॉक मैंने उधार में ले लिया, तो जब मैं उधार में लूंगा तो बेटे एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आएंगे, करंट लायबिलिटीज में, स्टॉक करंट एसेट में आएगा. तो बेटे सवाल आता है कि जो स्टॉक के पैसे हैं या ये पैसे मैं क्रेडिटर से लू या पहले मैं बैंक अकाउंट डेबिट कर दू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंशियल कैपिटल, टू डिवेंचर, टू लोन. पहले ये पैसे लू और फिर एंट्री करूं स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश. तो सवाल आता है कि पहले केस में, इस वाले केस में मैंने करंट एसेट्स को फाइनेंस किया करंट लायबिलिटीज से, और दूसरे केस में मैंने करंट एसेट्स को फाइनेंस किया लॉन्ग टर्म सोर्सेस से. अब कई बार डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी की कंडीशंस कैसी चल रही है. जैसे आजकल डीमोनेटाइजेशन हो चुका है बेटे, इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है, आने वाले दिनों में रिसेशन रहेगा, कुछ दिनों तक रिसेशन रहेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे. अब जब पैसे नहीं होंगे तो मार्केट की मनी सप्लाई कम हो जाएगी, कोई उधार में नहीं देगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी. तो अगर इकोनॉमिक कंडीशंस में रिसेशन है तब तो लॉन्ग टर्म सोर्स ज्यादा बेटर है, और अगर इकोनॉमिक कंडीशंस में बूम है मार्केट रिकवर हो रही है तो बेटे आप उधार में भी लेंगे तो लोग आपको उधार में दे देंगे और आपको पैसे जल्दी रिकवर होंगे और आप पैसे उनको रिटर्न कर सकते हैं. कहने का मतलब है कि इसका एक कोई आंसर नहीं है, इसके दो आंसर्स हैं, इसके दो सिनेरियोस हैं. एक, इफ इकोनॉमिक कंडीशंस आर बूमिंग एंड इफ इकोनॉमिक कंडीशंस आर इन रिसेशन.
optimum source is short-term sources. That is current liabilities is the best source. But if economic condition is declining, in those cases, in those declining cases, better hai ki aap wo funds long-term se le, equity share se, preference share se, ya borrow karke. Because bete working capital, current assets kisi bhi company ke liye life blood hota hai. तो मुझे लगता है मैंने कुछ हद तक आपको समझाने की कोशिश की कि भाई इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है और आपको क्या सोचना है, क्या आंसर देना है और बेटे अब लिखना क्या है. ये क्वेश्चन मैंने ढूंढा तो मुझे डायरेक्टली नहीं आंसर मिला इसका मेरी बुक्स में, तो मैंने आपके लिए पहले से ही इसके बारे में कुछ लिखा. तो मैं चाहता हूं आप अपने रजिस्टर में हिंट लिखे. हिंट बेटे ये आंसर नहीं है, हिंट है. मैंने जो समझाया वो आपको कुछ पता चला, अब मैं उसके ऊपर हिंट लिखवा रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बेटे आप हिंट में क्या लिखेंगे. जल्दी से रजिस्टर खोलने बेटे, जल्दी से मेरे बच्चे. मुझे पता है आप खोल चुके हैं, आपने तो काफी कुछ मैं लिख भी लिया है. बेटे पहले कमेंट का हिंट लिखे ए पार्ट से. करंट एसेट्स, financing, financing, financing is a trade-off. अभी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा. बेटा सभी ने लिखना है. आप मानिए कि अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं और आप लिख भी रहे हैं तो आपके 50 कमेंट्स बस इन्हीं लेक्चर्स के थ्रू होते जाएंगे. फिर सेपरेट टाइम नहीं देना, एक ही बार देखना है, पलट कर बस काम हो जाएगा. बेटे माइंड मैप बनाना है, अभी मैं माइंड मैप बताऊंगा कैसे बनाते हैं. तो करंट एसेट फाइनेंसिंग, वो करंट एसेट के पैसे आएंगे कहां से. वो कहता है कि इट इज अ ट्रेड ऑफ. ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क में से ट्रेड ऑफ देखना है. It is a trade-off between, it is a trade-off between profitability and risk. It is a trade-off between profitability and risk. Risk के बीच में और profitability के बीच में ये समझौता है. समझौता, समझौता दिलों से कर लो. B point लिखे हैं, समझाऊंगा. It depends upon the economic conditions. जैसे मैंने बताया, it depends upon the economic conditions prevailing at a particular time. अब जैसे इंडिया में post demonetization recession चलेगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो खर्च क्या करेंगे. तो it depends upon economic conditions. It depends upon economic conditions prevailing at a पर्टिकुलर टाइम. एक समय में जो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं उस पे डिपेंड करता है कि आप करंट एसेट्स की फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म सोर्सेज से करें, करंट लायबिलिटीज से करें, या लॉन्ग टर्म फंड से करें, इक्विटी शेयर से करें. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इज हाउ करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड. सी पॉइंट लिखे बेटे, हिंट है बेटे, आंसर इन्हीं को मिलकर बनेगा. तो हिंट दे रहा हूं, the most important decision is how current assets, रोजमर्रा के जो assets use होते हैं, are being financed. कहां से finance होंगे. D point जल्दी जल्दी लिखेंगे बेटे. There are two sources of funds for raising current assets. दो sources है बेटे. जैसे मैंने working capital जब आपको chapter कराया था face to face में और पेन ड्राइव में, तो बताया था ना दो सोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म सोर्स है और एक लॉन्ग टर्म सोर्स है. शॉर्ट टर्म सोर्स बेटे करंट लायबिलिटीज हो गई और लॉन्ग टर्म सोर्स बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एटसेट्रा हो गया. लिखे बेटा, डी पॉइंट लिखा जाए, देर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड
for raising current assets, short term and long term. E point. If current assets can be realized within a short span of time, अगर आपको लग रहा है कि जो inventory आपने खरीदी है उधार में, आप उस inventory को जल्दी बेच देंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है, और जल्दी कब बेचेंगे, जब market में boom period होगा, तो उससे पैसे आएंगे, तो आप फटाफट जो उधार में inventory खरीदी है, trade creditors, sundry creditors, bills payable, उसकी payment कर सकते हैं। तो बेटे फिर तो आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से लो, तो डी ई पॉइंट बड़ा अच्छा है। इफ करंट एसेट्स कैन बी रियलाइज्ड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, देन दे कैन बी फाइनेंस्ड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो बेटे इसको हम करंट लाइबिलिटीज से फाइनेंस कर सकते हैं, अदरवाइज बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेस, जब मार्केट में रिसेशन है और आपको लग रहा है कि आप जल्दी से नहीं बेच सकते, तो बेटे लॉन्ग टर्म सोर्सेस से। तो मेरे को उम्मीद है आपने लिखा होगा। तो बेटे पहला कमेंट मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मैं अब कमेंट नंबर 2 लिखूंगा, मैं फिर कमेंट नंबर 3 बताऊंगा। तो बेटे इसी तरह से हमारी कहानी चलती रहेगी।